नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश, हाजिर है मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मैं हूं ऋषि वर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, बात दमोह की। दमोह के नया गांव में डायरिया के प्रकोप के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित 20 से अधिक ग्रामीणों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव पहुंची है और ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। डायरिया का डंक दमोह के नया गांव में देखने को मिला, जहां दूषित पानी ने कहर ऐसा बरपाया कि गांव के 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका इलाज चिकित्सालय में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गांव में बुरा हाल है। दमोह के नया गांव का मामला, जहां पर दूषित पानी की वजह से डायरिया का डंक इस कदर फैला कि लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। दमोह के इस गाँव में 20 मरीज अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। डायरिया का कहर दमोह के नया गांव में, लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पे पहुंची है, प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम के, लेकिन पूरे गांव में देखा जा सकता है डायरिया के डंक। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी डायरिया के टंग के सताए हुए हैं। लगातार मरीज की संख्या बढ़ रही है, हालत खराब है दमोह के नए गांव में। ज्यादा जानकारी की बात करेंगे अटल राजन जैन, जुड़ रहे हैं दमोह से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। अटल, क्या ताजा हालात इस गांव के? कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर, क्या स्थिति नियंत्रित हो पा रही है? अमन जी, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, स्थिति नियंत्रित हो चुकी है, लेकिन गांव में डायरिया फैलने का जो सबसे बड़ा खतरा सामने उभर कर आया है, वो दूसरे जल पीने से गांव में डायरिया के हालात निर्मित हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस गांव में जितने भी हैंडपंप है, उनमें से अधिकांश हैंडपंप बंद है, जबकि जानकारों का कहना है कि हैंडपंप के संरक्षण के लिए, हैंडपंप पर दबाव डालने के लिए पीएचसी विभाग द्वारा लगातार बजट जारी किया जाता रहा है और लगातार इसको कार्यों पर खर्च किया जाता रहा है। मैंने चीजें की बात है कि जो गांव के जो हैंडपंप है, इनके पानी का पीने योग्य नहीं रहना, अधिकांश हैंडपंपों का बंद रहना, ये मुख्य वजह यही वजह है कि गांव के लोग कुएं के पानी का सेवन कर रहे हैं, गांव के पास जो नदी निकली उसके पानी का सेवन कर रहे हैं और दूसरे जल के पीने से गाँव के लोग बीमार हो रहे हैं। धन्यवाद अटल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दमोह में लोग लगातार भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में, नए गांव के लोगों की हालत बिगड़ रही है। आरके श्रीवास्तव दमोह के सिविल सर्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। आरके श्रीवास्तव जी, स्वागत है सतना न्यूज में। मेरा सवाल आपसे ये, क्या मरीजों की हालत में पहले सुधार है, साथ ही साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है, या गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो पहुंची है कितना वो सफल हो पाई है अब तक रोकथाम के लिए? आरके श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दमोह के नया गांव का ये मामला जो है, जहां पर डायरिया से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, जिला चिकित्सालय में 20 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, क्या ताजा हालात है? स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और स्थिति किस हद तक नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। श्रीवास्तव जी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, बहुत धीमे आ रही है आवाज। श्रीवास्तव जी, आप मुझे अब सुन पा रहे हैं स्पष्ट तौर पर? हाँ, आप सुनाई दिया। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे ये है, दमोह के नया गांव में जो हालत बिगड़ रही लोगों की डायरिया की वजह से, अब क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्या कुछ किया? स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां जाके जनशुद्धिकरण किया, रोगी के उनका इलाज किया जी, डायरिया की दवाई दी, सफाई दी, स्वास्थ्य शिक्षा भी दी। एक्चुअली क्या, वहाँ एक हैंडपंप है जी, तो वो निचाई से ऊपर का पानी से गंदा पानी वहाँ आता, वो नीचे चला जाता जी, का पानी उपयोग नहीं किया जाता। उनको समझाया कि पंचायत वालों को समझाया कि चबूतरा बनवा दें और एक नाली बना दें जी, ताकि पानी उसके पास ना आए, साफ रहेगा तो कोई गंदगी नहीं होगी जी। और मैं जिला चिकित्सालय में जो भर्ती मरीज है उनके हालत जानना चाहूंगा, उनके इलाज में किस तरीके की स्थिति है और क्या कुछ उनकी अब ताजा हालात है? उनकी स्थिति ठीक है, वो पानी हैंडपंप के अंदर पीते थे इसलिए गंदा पानी आ रहा था वही। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके श्रीवास्तव सर्जन, सिविल सर्जन दमोह।